जिम मेंबरशिप ली थी आपने? नहीं, मैं कभी नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, बस फिल्म्स में इन्वेस्ट करूँगा, अपने बाकी कमाई नहीं उड़ाऊंगा। आई डोंट वेस्ट मनी, मैं बहुत प्लान कर चलता हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज भावना एंड यू आर वॉचिंग गुड रिटर्न्स। साल 2022 खत्म होने वाला है और नए साल की शुरुआत होने वाली है। जब भी कोई नया साल शुरू होता है तो हम उसे अक्सर न्यू बिगिनिंग के तौर पर कंसिडर करते हैं। हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, प्लान्स बनाते हैं, खुद से बहुत सारे प्रोमिसज करते हैं। हम जिम शुरू करेंगे, नई ईटिंग हैबिट्स हम लोग शुरू करेंगे, फिटनेस को लेके अक्सर लोगों में क्रेज देखने को हमें मिलता है कि वो फिटनेस को लेके थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स? आपने अपनी मनी को मैनेज करने के लिए क्या कुछ प्लान बनाया है, क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? तो आज हम लोगों से नए साल के रेजोल्यूशन के तौर पर हम यही बात करेंगे कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या कुछ सोचा है और क्या कुछ मिस्टेक्स उन्होंने 2022 में करी हैं जिनसे वो सीख उन्होंने ली है। तो चले लोगों से जानते हैं उनके न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में। अच्छा, आप ऐसा बिलीव करते हैं कि न्यू ईयर के लिए हम लोग रेजोल्यूशन तो लेते हैं कि यार नहीं, हम इस बार सेविंग ज़्यादा करेंगे, हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, खर्चे अपने कंट्रोल में करेंगे, उसके बाद कुछ दिनों तो क्रेज रहता है, उसके बाद फिर हम सारी चीजें हर साल की तरह भूल जाते हैं। Of course. Believe in this. That's a human instinct. You cannot change it. Yes. Same goes for me. मैं भी फिजूल खर्ची करता नहीं होता हूँ। वो पहले से ही है अपना यार, मैं करता ही नहीं हूँ फिजूल खर्ची। उसकी बात में पूरा हो जाता है मेरा, फुल 5.5 लाख एक शॉट पे। अगर आपको कुछ करना है तो आपके लिए कोई टाइम या डेट स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू अचीव इट देन स्टार्ट राइट नाउ। अभी से कर लो तो बेटर है। मंडे से करूँगा, न्यू ईयर से करूँगा, 1st तारीख से करूँगा, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। को अगर कुछ अचीव करना है जिंदगी में या कुछ किसी चीज में बिलीव करते हो तो देन स्टार्ट राइट नाउ। ओके, मनी मिस्टेक्स यू डिड इन 2022। बहुत ही वोलेटाइल मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश। एक्चुअली आई एम वेरी क्लियर अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स, आई जस्ट पुट इट इन द फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड ऑल। आई इन्वेस्ट इन सम शेयर। ओके, जो बर्बाद हो गए? नहीं, बर्बाद तो नहीं हुए, बट मतलब उन्होंने उतना परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। इन्वेस्टिंग विदाउट रिसर्चिंग, आई इन्वेस्टेड इन लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पे मेरे पैसे बर्बाद हुए हैं, लिटरली बर्बाद हुए हैं। अभी तक लॉस रिकवर कर रहा हूँ। कुछ कंपनीज ने हाँ कुछ फ़ायदा दिया है, बट वो एक वाइल्ड गेस था, कुछ लक था, बट अब थोड़ा कंट्रोल इन्वेस्टमेंट है। सो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी गलती हुई मुझसे। रेंट इन दिल्ली। लेकिन वो तो नेसेसिटी है ना, वो देना ही पड़ेगा। हाँ, बट सच कुछ नहीं है, बट आई थिंक biggest waste of money I would say in rent. Lots of shopping I have done and that's how I have lost much amount of money. Trips. Mistake thi. Unnecessary. Why? Acha, unnecessary. Yeah. Okay. Jis pe kharch nahi karna tha. I don't waste money. Main bahut plan kar chalta hu har ek step. 2022 mein sabse expensive cheez aapne kya khareedi? Fashion mein, clothing mein. Okay. Movie mein, clothing, that's it. कोई अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा तो वही, अभी तो कुछ ऐसा है, सच कोई प्लान नहीं किया। आई रिसेंटली बॉट अ वॉच एंड अ मोबाइल फोन। शूज में भी? शूज, ओके। रिकॉर्डर, ओके। एप्पल M1 प्रो मैक्स 4.5 लाख का। ऐसा तो कुछ नहीं, सब एक्सपेंसिव ही है नॉर्मली। जाना कुछ ऐसा कुछ किया नहीं कि जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। कोई कार या फिर कुछ ऐसा? वो कोई इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि वो लायबिलिटी है मेरे लिए, तो इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। 23 में कोई प्लान नहीं एक्सपेंसिव चीज खरीदने का? है, बट वो खुद कमा के करूंगा, घर वालों से नहीं, अपने बाप की कमाई नहीं उड़ाऊंगा। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 2023 के लिए क्या प्लान्स हैं? स्टॉक्स में लगाएंगे, मार्केट। इन्वेस्टमेंट करते हो अभी तक? या बस फिल्म्स में इन्वेस्ट करूंगा। मे बी सेव ज्यादा करना, जो बिना बात के खर्चे हैं उनको थोड़ा कम रखना। मेरी प्लानिंग है दिसंबर तक नेक्स्ट ईयर के लिए कि आई एम सर्चिंग माय होम, सो मैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। आई विल ओपन अ पॉलिसी फॉर माय सन, म्यूचुअल फंड शुरू करना। कुछ FD में करूँगा इन्वेस्ट, कुछ मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँगा, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें मैं एक्सप्लोर करूँगा कि वहाँ इन्वेस्ट करूँगा। 2022 में क्या ज़्यादा हुआ, खर्चे ज़्यादा हुए, सेविंग्स ज़्यादा या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा? खर्चे ऑब्वियसली, हम कॉलेज गोइंग आए तो वही है, नए दोस्त नए लोग तो उनके ऊपर खर्चा, वो खर्चा करना, पार्टी यू तो थोड़ा सा तो पार्टी एनिमल टाइप, तो वो सब इन सब चक्कर में खर्चा काफ़ी हुआ है। जिम मेंबरशिप ली थी आपने? नहीं, मैं कभी नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, इसलिए अगर मैं जाता हूँ तो स्मार्ट इसलिए मैं कभी नहीं लेता हूँ मेंबरशिप। अगर मैं जाता हूं तो मैं मंथली पूछता हूं, इवन वो ज़्यादा होगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे अपने आप के पता है कि हो सकता है मे बी मैं एक महीने करूं, 15 दिन करूं, इसलिए मैं इस इन्वेस्ट नहीं करता हूं कि मेंबरशिप में इन्वेस्ट करूं। जिम मेंबरशिप ली थी? नो।
अच्छा पहले से ही पता है हम नहीं जाएंगे। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग प्लान्स थे लोगों के जो उन्होंने हमारे साथ इस वीडियो में शेयर की। कुछ मनी मिस्टेक्स भी थी जो उन्होंने इस साल 2022 में करी और ना रिपीट करने के लिए भी उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया था कि 2023 में वो मनी मिस्टेक्स जो उन्होंने किए हैं वो नहीं रिपीट करेंगे। तो मुझे तो ये वॉक्स पॉप करते हुए बहुत ही मज़ा आया। और आप भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने न्यू ईयर के लिए क्या रेजोल्यूशन लिया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। That's all in this video. See you in the next. Bye bye.